इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव टॉक्ट अबाउट द डिस्कवरी और हिस्ट्री का अगर बात करें एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट द डिफिनेशन वायरस क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्क्राइब करा था अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से कल वाला जो है हमारा जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसको देख लीजिएगा वायरस के ऊपर तो सबसे पहले अगर हम जनरल स्ट्रक्चर में बात करें साइज की वायरस है हाँ साइज रेंजिंग फ्रॉम ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इन डायमीटर इनका साइज जो है आपका वेरी करता है ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड नैनोमीटर चीज याद रखिएगा

ये जो है ट आउटसाइड होस्ट सेल कभी नहीं करता मींस ये के लिए एक से दो दो से चार होने के लिए इनको एक पर्टिकुलर होस्ट लिविंग सेल की जरूरत है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ऑप्लिकेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइड वायरस और वायरस को हम चार ग्रुप में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेप वी अ फर्स्ट फिलामेंटस

दो कंपोनेंट विच आर द मेन यहां पे देखिए इस डायग्राम में देख सकते हो जो आउटर कवरिंग होती है प्रोटीन वी इट इन ए कैप्सिट और अंदर जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड अवर एसिड बट इन केस ऑफ सम वायरसेस ठीक है हमारे कुछ वायरसेस में इन एडिशन टू दिस वी है एनवेलप इज आल्सो प्रेजेंट

और इन एडिशन टू दिट सम वायरस ऑल्सो कंटेन एनवेलप और कुछ वायरसेस में अभी यहाँ अपने एक्सेप्शनल्स आर दे आर यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं दे ऑल्सो कंटेन इन्जाइम बट दे आर आर ओनली फ्यू वायरसेज विच कंटेन इन्जाइम सो दीज आर द स्ट्रक्चर ये एक ऐसा वायरस है जिसमें न्यूक्लिक एसिड देखिए बीच वाला जो स्ट्रक्चर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है स्पायरल शेप का दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड और बाहर जो स्ट्रक्चर जो कवरिंग है न्यूक्लिक एसिड को जो प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोड भी जैसे कहते हैं और हमारे पास एक वायरस ऐसे भी है देखो यही सेम वायरस अगर इसके ऊपर बाहर से फिर से एक कोट हो वी कॉल्ड दैट एज इन एनवेलप और इनवेल्प के ऊपर छोटे छोटे से प्रोजेक्शन रहते हैं वी स्पाइक जो आगे जाके हम लोग और डिस्कस करेंगे नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वायरस में वी कॉल इट कॉलेडे न्यूक्लोइड और जीनोम क्योंकि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल अगर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियोलस हो वी कॉल इट क्वालिडे न्यूक्लोइड तो यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन कोड के अंदर है दैट वी कॉल इट इन न्यूक्लोइड कहा जाता है ठीक है और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट है ना दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ वायरियोन मीन्स आपका वायरस का साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लिक एसिड उतना कम होगा एसिड उतना ज्यादा होगा अगर वायरस का साइज जो है आपका बहुत बड़ा हो ठीक है और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ना दैट इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस कहने का मतलब ये चीज है कि अगर किसी प्लांट बॉडी के अंदर मान लीजिए या किसी सेल के अंदर वायरस चला जाए वायरस का न्यूक्लिक एसिड ना जाके बाहर का प्रोटीन कोड चला जाए तो उस केस में उस पर्टिकुलर सेल में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा वायरस की वजह से अगर न्यूक्लिक एसिड जाए दैट इज द इन्फेक्टिव पार्ट ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड जो है मेन डिजीज कॉजिंग है आपका दैट इज वाई इनफेक्टिव पार्ट ऑफ द वायरस और यही न्यूक्लिक एसिड जो है ना होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके मेटेबलिज्म को यूज करके अपने वायरस अपने पार्ट्स बनाते हैं ये हमारा आगे वाले आने वाले दिनों में लेक्चर में डिस्कशन में होगा कि सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ वायरल कंपोनेंट्स वो वहां पे जाके कैसे मैकेनिज्म इनका रोल है ठीक है और अगर हम जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड वही उसकी बात करें तो दियर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच वायरसेस और इसमें से एक होगा किसी पर्टिकुलर वायरस में ये दो एक साथ या एक हमेशा एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए हम लोगों ने कल डिस्कस करा था दोनों कभी एक साथ नहीं होता कोई भी वायरस होगा या तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या सिंगल स्टैंड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आर एन ए या सिंगल स्टैंडर्ड

इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सा हम लोग देख लेते लेते हैं हैं। कि कैप्सिड और कैप्सोमर्स डिफाइन कर पे वायरस, वायरस दिख रहा रहा है मैं फिर से बना इज दिंगल स्टैंडर्ड आर एन हमारे पास मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा ये आपका जेनेटिक मेटीरियल है किस चीज का टीएम का ठीक है ये सेंटर में है वी कॉल एन ए हम इसे क्या कहते हैं आर एन अब इसके ये आपका जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड हुआ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है वी सम प्रोटीन को ठीक है आइडेंटिकल सब यूनिट्स आर बिल्कुल एकदम से सेम सब यूनिट्स रहते हैं वी कॉल्ड दिस आइडेंटिकल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड वी कॉल्ड कैप्सो कैप्सो मर्स ठीक है हम इसे क्या कहते है? हैं कैप्सो कहते हैं ठीक है एंड यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखिएगा इस पूरे होल जो हमारे पास ये जो डायग्राम है ना ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये जो आपके आइडेंटिकल सब यूनिट छोटे छोटे सब यूनिट आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट से मिलके पूरा न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहा है ये देखो को एंड नाउ दिस होल सब यूनिट वी कॉल इन ए कैप्सिड हम इसे क्या कहते हैं कैप्सिड कहते हैं तो यहां से क्लियर हुआ कैप्सिड और कैप्सोम क्या होते हैं ठीक है आइडेंटिकल सब यूनिट जो होते हैं छोटे जो वी वीकॉलिड इन ए कैप्सोमर और ये सारे कैप्सोम को मिला के हम क्या कहते हैं वी कॉल इन ए कैप्सिड आर प्रोटीन ठीक है और ये जो नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कितने होंगे और उनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है वायरस के थ्री थ्री साइज पे और जो उनका अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है हर पर्टिकुलर वायरस के लिए वो आपका अलग अलग होगा एंड दैट्स वाई दिस इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ठीक है

इन केस ऑफ वायरस में हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड को वी कंबाइंड इट ए वायरस न्यूक्लो कैप्सिड तो वायरिस न्यूक्लो कैप्सिड मीन वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड को कलेक्टिवली मिला के हम क्या कहते हैं न्यूक्लो कैप्सिड अब आगे हम लोगों ने बताया कि कुछ वायरसेस में विवाह अगेन अनदर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सॉरी सेलर बोलने एक्स्ट्रा मेम जो कवरिंग होती है वी कॉल्ड दैट इज एन ए इन्वेल्प इन सम्प्लेक्स फॉर्म द कैप्सिड इज अगेन कवर्ड बाय इन्वेलप और ये जो इन्वेलप जो होता है इट जनरली मेड ऑफ तीन कंपोनेंट लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने ऑलरेडी कल भी मैंने बताया था कि दूसरे वाले जो प्रीवियस लेक्चर में कि लिपिड जो है और कार्बोहाइड्रेट ये वायरस में पाया नहीं जाता तो यहाँ पे कंपोनेंट कैसे बना एक्चुअली जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तभी यहाँ पे बनता और ये लिपिड इज इन ए कंपोनेंट ऑफ होस्ट सेल और कार्बोहाइड्रेट जो है ना इज अगेन जो derivative जो होता है ना दैट इज में ठीक है ये ड्राइव करता है किससे से होल से ये चीज याद रखिएगा वी जो अब में जो प्रोटीन पार्ट होता है ना ये सिर्फ वायरस का होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जिस सेल के अंदर है वहां से ड्राइव करता है इस चीज को याद रखिएगा ठीक है

which are present on the envelope we call that is in a spikes and what is naked virus to behodi jo virus ye wala naked virus hai hum logo ka the virus which lack envelope part we call it in a naked virus ya naked nucleocapsid virus theek hai aur what is enveloped virus jo virus in addition to capsid and nucleic acid we have an again another mem membrane we call it in a

या जो कि है किसी भी चीज को ये बहुत अच्छे से क्या करेगा रेजिस्ट करेगा बट ये नहीं है इट का मतलब इन दोनों वायरस में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वायरस के केस में तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो वायरस जो विदाउट इन्वोल्ड होता है ना दैट आर मोर स्ट्रॉन्ग दैन वायरस दैट इज अबाउट दी today's lecture.